हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खाना खजाना। और मैं आपके साथ हूँ नजफ अली। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल के परांठे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये 2 कटोरी इसमें आटा ले लिया है फ्रेंड्स। साथ ही हमने ये लेफ्ट ओवर दाल ले लेनी है। साथ ही इसमें डालने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ये 1 चुटकी अजवाइन ली है, साथ ही इसके 1/4 चम्मच नमक लिया है, और ये हमने कड़ी पत्ता लिया है सूखा हुआ जो हमने क्रश कर लिया है फ्रेंड्स। अब ये इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स हम अपने आटे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स हमने इसमें आटे में डाल दिए हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये अपने हाथों से हमने आटे में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इसमें आटे में जो हमारी बची हुई दाल है वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें दाल डाल दी है। ये देखिए, थोड़ी सी दाल हम बचा लेंगे। हमें ये आटा इस दाल में ही गूंदना है फ्रेंड्स, पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। बची हुई दाल भी फ्रेंड्स हम इसमें डाल लेंगे, इसलिए कि फ्रेंड्स हमारे पास अभी सूखा आटा मौजूद है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करके डो बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब इस डो पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा ये हमने अपने हाथों में पानी ले लिया है। अब ये हम अपने हाथ की मदद से सारे आटे पे पानी इस तरह लगा देंगे फ्रेंड्स। पानी हम इसलिए लगाते हैं फ्रेंड्स ताकि हमारा आटा सूखा ना रहे और साथ ही हमारा डो सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए हम इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए फ्रेंड्स। ये देखिए, 10 मिनट बाद हमारा आटा सॉफ्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़ा लेके इस तरह से हमने पेड़ों को दबाना है। ये देखिए, दबा के हमें इसे इतना बड़ा कर लेना है अपने हाथों से। देखिए, अच्छे से कर लिया हमने इतना बड़ा। अब चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बेलन की मदद से इस तरह से बेलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम बेल रहे हैं। जो हमारा पेड़ा था वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखिए 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 फ्रेंड्स, जो मैंने इसमें अजवाइन और कड़ी पत्ता डाला था ना, वो देखिए ये दिखाई दे रहा है। चलिए इसे हम तवे पर डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तवे पर डाल दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है। पहले हम फ्रेंड्स इसको 1 साइड सेकेंगे, देन 2nd साइड सेकेंगे इस तरह से। पराठे को थोड़ा सेक लेने से फ्रेंड्स, जब हम इसमें ऑयल अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से पहले हमने पराठे को दोनों साइड से सेक लिया है। चलिए अब हम अपना पराठा पलटते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सिक चुका है। अब हम इस पर इस तरह से ऑयल लगा देंगे। देखिए, चम्मच की मदद से फ्रेंड्स हमने इसे अच्छी तरह से ऑयल को अप्लाई करना है अपने पराठे पे। ये देखिए, पलट दिया हमने। अब इसी तरह से हमने इस साइड भी अपना ऑयल, ये देखिए, अप्लाई कर लेना है। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, पराठा हमारा कितना अच्छे से पक चुका है।
साथ ही ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, तो ये हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगा। चलिए अब हम अपने पराठे को हल्का सा और सेक लेते हैं जहाँ से हमें थोड़ा कम सिका हुआ लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए ये हमने सेक लिया है फ्रेंड्स। अब हम इस पराठे को प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये प्लेट में हमने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस पराठे को हम चटनी के साथ खा सकते हैं। साथ ही मेरी रेसिपी फ्रेंड्स पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल